आप जो करना चाहते हैं वो करो। लेकिन मंजरी आज के बाद यहीं पर इसी टेबल पर बैठकर खाना खाएगी। शौनक प्लीज, मैं यहां ऐसे बैठकर नहीं खा पाऊंगी। मैं इस घर की बहू हूं, पर जब तक आपके मम्मी पापा मुझे खुद यहां बुलाकर नहीं बिठाते हैं, तब तक मैं इस टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगी। शौनक, ऐसे जबरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं ले सकते, मुझे ऐसे चाहिए भी नहीं। मेरी वजह से ये अपने घर में ठीक से खाना ना खा पाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मंजू, मंजरी, शौनक, शौनक, कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की, खाना खाओ। सॉरी, लेकिन मैं आप सबके साथ बैठकर नहीं खा सकती। खाने के टेबल पर बैठकर बिना झगड़ा किया आपको खाना हजम नहीं होता क्या? मॉम, डैड, उन्हें भूख लगी है। किससे बता रही हूं मैं, जाने दो। पर जब तक मंजू यहां, सॉरी मंजीरी, मंजीरी जब तक इस टेबल पर बैठकर नहीं खाती, तब तक मैं भी यहां खाना नहीं खाऊंगी। नैना, माफ करिए साहब, आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सर्व नहीं करूंगा। मैं यहाँ साहब लोगों का काम करता हूँ, नौकरों का नहीं। तुम सबको पता है कि किसकी जगह कहाँ होनी चाहिए। अच्छा है, दूसरे की अच्छाई का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। मेरा और हर्षवर्धन का खाना हमारे रूम में पहुँचा दो। ऐसे रास्ते के लोगों के साथ बैठ कर खाने की हमें आदत नहीं है। आप ऐसे क्यों हैं शौनक? अब जैसा हूं तुम्हारा हूं, एक्सेप्ट कर लो मुझे। मंजू, मुझे ना यहाँ पर एक पूरी भाजी का कैंटीन पता है, चलो हम वहाँ पर खाना खाने चलते हैं। नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। अरे अभी अभी तो भूख लगी थी ना, तो फिर ऐसे अचानक क्या हो गया? ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। शौनक, इस घर के लोग मुझे कभी भी अपनी बहू नहीं मानेंगे क्या? नहीं, मतलब सब मेरी फिक्र करें, मुझे प्यार करें, इतना मैं नहीं चाहती हूं, पर कम से कम इंसानों जैसा बर्ताव तो करें। हाँ, मैं इस घर में नौकर बनकर काम करती थी, इन्हीं हाथों से मैंने घर की सफाई की है, लोगों की जूठन और गंदगी साफ की है, पर इसका मतलब मैं अछूत हो गई क्या? मंजू, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? देखो, ये सिर्फ उनका ईगो है, जिसकी वजह भी तो हम हैं। ऐसा नहीं है शौनक, शायद आपको पता नहीं होगा, पर इस घर में नौकरों के खाने के बर्तन भी अलग होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ देशमुखों के बर्तनों के साथ नौकरों के बर्तन धोए भी नहीं जा सकते, और इसलिए आज मुझे। मंजू, तुम एक बात भूल रही हो, अब तुम भी एक देशमुख हो चुकी हो, है ना? अरे, ये लोग इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना भी नहीं जानते हैं, तो ये उनकी कमी है, हमारी नहीं। और हां, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो। आपके लिए, पर उनके लिए?
खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। टेबल से उठकर चला गया वो। सवेरे से उसने कुछ नहीं खाया है। अब क्या मंजू ने खाना नहीं खाया तो शौनक भी नहीं खाना खाएगा? उस लड़की की वजह से वो सब कुछ सहन कर रहा है। पर उसे कोई फिक्र है क्या इसकी? उनकी टेंशन मत लो तुम, वो बाहर कुछ खा लेंगे, तुम खाओ। शौनक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम, जब वो यूएस में था तब वो बहुत अलग था। ऐसा नहीं था, वो हम अपने टाइम के हिसाब से खाना खाते थे। शौनक कभी रुका नहीं था मेरे लिए। इनफैक्ट जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे ना तो इसका खाना होने के बाद ये उठकर चला जाता था। मुझे बताना पड़ता था कि रुको, मेरा खाना अभी बाकी है। जब से वापस आया है तब से कितना परेशान है। क्यों ऐसा कर रहा है वो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्यार में इंसान अंधा ही हो जाता है। एक नौकर से शादी कर ली मतलब अंधा ही है वो। मतलब उसके लिए वो उसके प्यार में नहीं है। मंजू से वो प्यार कर ही नहीं सकता, उसने उसे फंसाया है। इतना समझता नहीं है तुम्हें, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, ये बात उसे जल्द ही समझ आएगी। समझ गए ना? शांत देवयानी, देवयानी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। खाना खाओ। I'm sorry, Dad. सॉरी मत बोलो, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं। तुम जो सहन कर रही हो चिंता का विषय है, पर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है ना? इस घर की बहू तुम ही हो। मंजू इस घर की कुछ नहीं लगती है, और सभी इस बात को सुन लें। चीज देवयानी शौनक देशमुख, समझे? मंजू, देखो बहुत काम हो चुका है, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है। आप ना मंजू। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया ना? नैना दीदी। चलो मैं खाना लेकर आई हूँ, खा लो। जरा पैर हटो। ये लो, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे देख क्या रही हो, बैठो जल्दी, मुझे भूख लग रही है। हाँ मतलब मैंने भी खाना नहीं खाया। मेरी वजह से ही आपको इतनी तकलीफ हो रही है। भाई ये मेलोड्रामा कितने दिन चलने वाला है? तुम एक काम करो, तुम ये चालू रखो, हम दोनों खाना खा लेते हैं, मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा। हाँ। नैना, हम टोटल कितने लोग हैं और तुमने सिर्फ दो प्लेट लाई हैं? तुम्हारा गणित कच्चा है क्या? नहीं भाई नहीं, गणित कच्चा नहीं है, लेकिन प्यार का पाठ हमने जरूर पढ़ा है।
तुम दोनों एक ही प्लेट में खाओगे। और बाय द वे मंजू, तुमने रूम को अच्छे से साफ कर लिया है। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये रूम भी इतना खूबसूरत दिख सकता है। ए, मैंने भी हेल्प की है साफ करने के लिए। ए प्लीज, अब बेकार में क्रेडिट मत लो। सच में? तो चलो अब हम लोग खाना शुरू करें। ए स्टॉप 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 स्टॉप। क्या हुआ? तुम्हारी शादी? मतलब? अरे मतलब तुम्हारी शादी को एक दिन हुआ है ना, जरा थोड़ा रोमांटिक हो, एक दूसरे को खिलाओ ना। अब तुम खिलाओ, चलो चलो जल्दी खिलाओ। गुड गर्ल। नैना, तुमने हमें कपड़े लाकर नहीं दिए। सॉरी। क्या हुआ गुड्डी, तू अभी तक सोई नहीं? अरे इन दिनों में इतनी रात जागना नहीं चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए। जा सो जा। तुम भी मंजू दीदी के बारे में ही सोच रही हो ना दीदी? हमको तो ये सोचकर नींद नहीं आ रही कि वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई। अब वो हमको अपनी दोस्त नहीं समझती दीदी, अब हम नौकर हो गए ना उनके लिए। अरे तू पागल हो गई है गुड्डी, अपनी मंजू के लिए तू ऐसा सब सोच रही है? अरे उसकी कोई गलती नहीं है, और इन बड़े लोगों ने तो उसे खाना भी खाने नहीं दिया। घर से भी बाहर निकलने देंगे कि क्या पता, मुझे तो बस इसी बात की टेंशन है। पता नहीं, पर अब वो है तो हमारी मालकिन ही ना। हाँ मतलब अगर दूसरे नजरिए से देखे तो ये सच है। अब वो क्या है ना, अब वो हमारी मंजू नहीं रही, बड़े साहब की बहू बन गई है देशमुखों की। और वैसे भी शादी के बाद सब बदल ही जाता है। पर फिर आप दोनों की दोस्ती? नैना, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या कुछ नहीं। बैग में क्या है? देखो अगर शौनक के लिए कुछ लेकर जा रही हो तो याद रखना, मैं डैड को बता दूंगी, उसे कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। एक ही घर में रह के कितनी देर तक मुझे अवॉइड करेगा? He will have to face me। तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। And then I'm sure कि वो मेरे पास लौट आएगा। Anyway, तुम ये बैग लेकर अभी नहीं जा सकती। क्या है उसमें? शौनक के कपड़े हैं ना, चलो दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, ये मेरे कपड़े हैं और मैं ये मंजू को देने के लिए जा रही थी।
तुम ऐसा नहीं कर सकती नैना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बता सकती देवयानी। एटलीस्ट मुझे तो नहीं। अब तुम मुझसे ऐसी बात करोगी? मुझे पता था हमेशा तुम उस नौकरानी की तरफदारी करती थी, पर एक बार भी सोचा कि मुझ पर क्या गुजरती होगी। उस नौकरानी की वजह से मुझे अपने ही कमरे में अकेला सोना पड़ रहा है क्योंकि शौनक वहां उस डोंट यू फील सॉरी फॉर मी। देवू अगर तुम पूछ रही हो तो इसलिए मैं बता देती हूँ, मुझे दया आती है तुम पर। और दूसरी बात, मंजू शौनक भाई की बीवी है तो ये कमरा उनका है, पर वो दोनों दिल के इतने अच्छे हैं इसलिए तुम्हें रहने दे रहे हैं इतने दिन तक। और तुम तो जानती होगी हम देशमुख अपने यहाँ आए हुए गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करते हैं। पर देवू एक बार तुम सोचकर देखना ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है। देवू तुम इतने अपमान के बाद भी कैसे रह सकती हो? Get lost! मुझे किसी की भी कोई भी बात नहीं सुननी है। चलो निकल जाओ यहाँ से फटाफट निकलो। थैंक्स। वेलकम। क्या तुम्हें क्या? नहीं नहीं नहीं, शादी रोमांटिक शोमांटिक। अरे चुप रहो। अच्छा तुमने मेरा काम किया? कर लिया। तुम्हारे कपड़े ले आई हूँ और सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वो तुम्हारे कमरे में देवू। फॉरगेट इट, मैं मेरे कपड़े कल सुबह मंजू को दे दूंगी। बस आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ओके। तो मैं जाऊं? ओके। पक्का? ऑफ कोर्स। ठीक है। और रात भर तुम अपनी बुक्स लेकर पढ़ने मत बैठ जाना। अब तुम जाओगी? हाँ जा रही हूँ ना, और ज्यादा पढ़ोगे तो स्ट्रेस हो जाएगा। ओ। अरे कोई आया था क्या यहाँ? कौन था? हमें यहाँ से भी जाने के लिए कहा है क्या? शौनक सॉरी मेरी वजह से आपको भी। अरे कितना हाइपर हो रही हो, जरा शांत हो जाओ मंजू। और देखो ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, समझ गई? नैना कपड़े लेकर आई थी, ये लो तुम कपड़े चेंज कर लो। सुबह से इन्हीं कपड़ों पर हैं हम लोग, बहुत थक गई होगी तुम। अरे देख क्या रही हो, जाओ जल्दी। अरे मैंने मंजू से शादी की है, ये मेरी पत्नी है। नहीं मैं नहीं सो सकती अकेले, मुझे शौनक चाहिए। इतनी प्लानिंग की थी मैंने लेकिन वो मंजू, नहीं मैं उसे चैन से नहीं सोने दूंगी, उसने मेरी नींद उड़ाई है ना। देखना मंजू अब मैं क्या करती हूं।
मंजू तुम इतना अस्थिर क्यों महसूस कर रही हो? मैं ही तो हूं। बाय द वे मेरी शर्ट में बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.